हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ डीएस। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसमें हम बेल्ट्रॉन के 60 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, वह कहता है क्या कि हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जाता है। तो हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जाता है ये हमको बताना है। तो हेडर और फुटर में सभी आकार को हम चयन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे मध्यम की बात करें, छोटे की बात करें या बड़े की बात करें, किसी को भी हम चयन कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है क्या कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कौन। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है ये हमको बतलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तीसरा प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन में ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सभी को ऐड किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न चौथा नंबर है हमारा, कहता है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारा ये जो चौथा नंबर जो ऑप्शन है, यानी टेलीफोन लाइन, मॉडम, कंप्यूटर या ISP, इन चार चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न कहता है MS Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है। MS Excel के फाइल एक्सटेंशन यानी कि जब हम सेव करते हैं तो लास्ट में सेव करने के लास्ट में जो ऑप्शन ऑटोमेटिक आता है उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो वो क्या होगा फाइल एक्सटेंशन, आपको ये बताना है। तो पांचवें नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी .xls। आगे बढ़ेंगे, छठा नंबर प्रश्न हम देखेंगे, कहता है कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम आपको बताना है। तो छठे नंबर प्रश्न का जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सही जवाब, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ेंगे, सातवा नंबर प्रश्न, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का हम इस्तेमाल करेंगे। सभी स्लाइड को अगर एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हम किस की का इस्तेमाल करेंगे। तो सातवें नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो प्रश्न है आठ नंबर, कहता है क्या कि वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी कुंजी दबाते हैं ये हमें बताना है। तो आठ नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, F7। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि MS Excel में चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का नाम बताना है आपको, कि शॉर्टकट कुंजी क्या है MS Excel में। तो नौवां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, F11। MS Excel में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की है F11। आगे बढ़ेंगे, दस नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दस नंबर प्रश्न कहता है कि कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है। तो दस नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्ज टेक्स्ट। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न, MS Excel 2016 में Alt+Ctrl+V किसका शॉर्टकट की है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, पेस्ट स्पेसर। Alt+Ctrl+V MS Excel में अगर इस बटन को हम दबाएंगे तो पेस्ट स्पेसर होता है। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर में CU का मुख्य कार्य बताइए। हमको बताना है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, प्रोग्राम को संचालित करना। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है क्या कि पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है कहाँ पर दिखाई देती है ये बताना है, राइट में, सेंटर में, लेफ्ट में या कहीं भी, उपयुक्त में सभी।
13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट में। आगे बढ़ेंगे, GAIS का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या होगा GAIS का पूरा नाम? तो GAIS का पूरा नाम हो जाएगा आपका गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन नंबर सी, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है, आप खाली स्थान द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं, आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं ये बताना है आपको, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब है कि सेल पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, टैब कुंजी को भी दबा करके कर सकते हैं, एरो कुंजी को भी दबा करके कर सकते हैं। आप किसी भी सेल को सक्रिय अगर करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल का उपयोग किया जाता है ऐसा आपको बताना है। जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं तब बताना है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 2007 है किस टूल का उपयोग किया जाता है इसमें, और कब, जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं तब कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टूल आप इस्तेमाल करते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन मर्ज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है? तो प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का अर्थ हमारा क्या है ये बताना है हमको। तो एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करने को ही हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करने को ही हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग कैसे होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं राय भी देता हूं कि भाई आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग जानने चाहिए, एक रोचक सा ये है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डुप्लेक्स प्रिंटिंग के बारे में नहीं पता है, कंप्यूटर के बारे में तो जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डुप्लेक्स प्रिंटिंग के बारे में नहीं पता है। डबल साइड प्रिंट, इसी को हम कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग, और ये हमें और आपको सभी को सीखने चाहिए, काफ़ी रोचक चीज़ है। अरे 18 नंबर प्रश्न पर आइए, 18 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है, कहता है कि इंटरनेट पर सर्वर और किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेट पर जो सर्वर है और किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेट पर जो सर्वर है और किस नाम से जाना जाता है। तो 18 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा होस्ट, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, ऑल्ट प्लस आर, क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस आर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है हमारा 20 नंबर तो हम देख ही लिए, 20 नंबर देख लिए क्या, नहीं ना, अभी तो एमएस पावर पॉइंट के बारे में ना बात हो रहा था कि अगर हमको रिव्यू टैब को ओपन करना है तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑल्ट प्लस आर अभी आपने डिस्कस किया। हाँ, तो 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है। तो एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए हमको रन डायलॉग बॉक्स में हमको टाइप करना होता है एक्सेल, एक्सेल अगर ओपन करना है तो हम एक्सेल हम टाइप करेंगे तब जाके हमको ओपन हो जाएगा रन डायलॉग बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर के बाद 21 नंबर प्रश्न आता है, कहता है कि मार्जिन्स ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है, मार्जिन्स ऑप्शन का उपयोग ना किस विकल्प के लिए होता है ये बताना है आपको। तो इसका उपयोग पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए किया जाता है, पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए किया जाता है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि प्रिंटर की क्यू क्या है। तो प्रिंटर की क्यू क्या है भाई, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची जो होती है ना, उसी को हम कहते हैं क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एमएस ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो एमएस ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग आप स्लाइड बनाने के लिए करते हैं, है आपका 23 नंबर प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, एमएस पावर पॉइंट, इसी में तो स्लाइड बनाया जाता है। आगे बढ़ें, HTTP का मतलब बताना है आपको, क्या बताना है, HTTP का मतलब बताना है, 24 नंबर प्रश्न है, HTTP का मतलब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न कहता है एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। तो एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है, तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। 26 नंबर प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, अब कहता है क्या 26 नंबर प्रश्न कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए आप Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। तो ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में हमको जानना है, ऑप्टिकल मेमोरी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्टिकल मेमोरी CD-ROM को कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो पावर पॉइंट में आपके 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है कि फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया जाता है। फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 31 नंबर कहता है कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक मिनट, मेमोरी रीड एक्सेस मेमोरी है आपका ए नंबर, हाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नहीं, हमको पहला और दूसरा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, लेकिन फिर हमने देखा कि इसमें रीड है, इसमें रैंडम है ना, तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है। सर हाँ ठीक है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता क्या है 32 नंबर प्रश्न के बारे में कि हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है। हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज आपसे पूछा है कि क्या है, तो हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज है कि प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए हम हाइड स्लाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखें, कहता है कि एक वेबसाइट के एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। एक वेबसाइट के एड्रेस को आप किस रूप में जानते हैं, तो वेबसाइट के एड्रेस को हम URL के रूप में हम जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, URL के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, MS Excel में is equal to sum (small bracket open, small bracket close) फॉर्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, जोड़ने के लिए हो जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, 35 नंबर कहता है
कि पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है। 35 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि मार्जिन, पेपर साइज, कलर या पेपर स्रोत या लेआउट, इन सभी को। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए हो जाएगा सही जवाब, SQL। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहता है 37 नंबर की किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि चूज इंसर्ट और हाइपरलिंक, उसके बाद प्रेस कंट्रोल प्लस के दोनों। ठीक है, आगे बढ़ें, 38 नंबर प्रश्न देखें, कहता है कि जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान्य सेवा खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी भी, जब आप वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो भी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी सामान खरीदने और बेचने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, हम उसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कहता है क्या कि 39 नंबर, एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो 39 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, ट्रिम को हटाने के लिए किया जाता है ना। एक्सेल में टेक्स्ट ट्रिम स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ट्रिम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे क्या कहता है कि डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप। तो इसके लिए हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेटिव टेक्स्ट हम किसको कहते हैं, जैसे एक स्टाइल में ऑलरेडी लिखा आता है, ठीक है, जिसको आप वर्ड आर्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर प्रश्न, कहता क्या है कि 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट कहने का मतलब है MB में कितने किलो बाइट होते हैं, यानी कि 1 MB में आपसे पूछ रहा है 1 MB बराबर होता है कितने KB, KB में आपसे पूछ रहा है कितना किलो बाइट होता है, तो 1 MB में आपका हो जाता है 1024 किलो बाइट। आगे बढ़ेंगे, कहता क्या है कि स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कौन से शॉर्टकट की, स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, F5। ये ऑलरेडी पहले भी हम जो सेट हम डिस्कस किए हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है। तो टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर का नाम बताना है आपको, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, लिनक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो शेषफल को ज्ञात करने के लिए हम एक्सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, MOD। आगे बढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्प्लिट, SPLIT, SPLIT।
आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है एक्सेल विंडो में मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग की करते हैं। एक्सेल विंडो में मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कंट्रोल प्लस F9। F9 एक प्रकार का फंक्शन की है और फंक्शन की आपको कितने हैं, 12 फंक्शन की होते हैं, जिसमें से कंट्रोल प्लस F9 का इस्तेमाल करके आप मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सेल विंडो को। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एमएस एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे अल्ट प्लस पी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है। टेक्स्ट के अंदर कमांड कौन सा होगा जिसका उपयोग करके एक लिंक आप शामिल कर सकते हैं, तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, हाइपरलिंक। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 49 नंबर प्रश्न। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला बढ़ेंगे 50 नंबर प्रश्न। कहता है क्या कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, तो चार्ट को आप इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट में जाके चार्ट नंबर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। वेब होस्टिंग कंपनी आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है, तो वेब होस्टिंग कंपनी इनमें से नहीं है वो है फेसबुक। फेसबुक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये है कंट्रोल प्लस के। आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ होता है, तो हेडर कहाँ होता है, टॉप पर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है, तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नेम बॉक्स। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल ये किसके लिए उपयोगी है, तो कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल ये किसके लिए उपयोगी है, तो 55 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए। आगे बढ़ेंगे। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था, आपसे पूछ रहा है कि याहू जो सर्च इंजन है ये कब बनाया गया था, तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1995। याहू सर्च इंजन 1995 में बनाया गया था। एमएस एक्सेल में कॉलम डी से रो डी 10 से एमएस एक्सेल में कॉलम डी में रो डी 10 से डी 15 तक का बात कर रहा है। संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वह कौन सा है, तो 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सम है ना, इज इक्वल टू देके सम और स्मॉल ब्रैकेट ओपन डी 10 रेशियो का साइन दे देना है और उसके बाद डी 15 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 58 नंबर। कहता है कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है, तो पीडीएफ फाइल में रूपांतरित करना है कैसे करिएगा, तो 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बी और सी दोनों, मतलब सेव एज पीडीएफ, पीडीएफ के रूप में सेव करके, या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट करके पीडीएफ के रूप में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। कहता है कि कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है, तो हाँ यह बात सही है कि कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए।
आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर, इनमें से कौन सही फार्मूला है? तो सही फार्मूला आप जांच कर लीजिए, इसमें सही फार्मूला है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन, ठीक है ना, ए वन रेशियो का साइन बी वन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फार्मूला। तो दोस्तों बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।